उज्जैन के बड़नगर तहसील में आने वाले वार्ड क्रमांक 24 से जनपद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहे दिनेश गुर्जर अपने जनपद सदस्य के आने वाले करीब 5 से ज्यादा गांवों में जनसंपर्क के लिए पहुंचे। दिनेश गुर्जर जनपद सदस्य उम्मीदवार के परिवार के सदस्य और स्वयं दिनेश गुर्जर कई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों को वर्ष भर में आयोजित करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मैं सभी लोगों के बीच में रहता हूँ, सभी अपने परिवार हैं, सभी अपने जो गाँव हैं, एक माध्यम कि भाई राजनीति एक माध्यम है, किसी माध्यम से मैं अपनों के बीच में रहूं, अपने लोगों का काम कर सकूं और जो भी सामाजिक कार्यक्रम है, जो भी अपने लोगों को कोई तकलीफ हो रही है, कोई दुख तकलीफ में मैं खड़ा हो सकूं। 30 साल से मैं लोगों के बीच में हूं और मेरा यही हमेशा रहा कि मैं किसी के कहीं सुख दुख में जहाँ काम आए वहाँ खड़ा हो सकूँ। आप मानते हैं कि जनपद सदस्य के माध्यम से, क्योंकि फिर दायरा बढ़ रहा है आपका, जिम्मेदारी बढ़ रही है आपके पास, तो जब दायरा और जिम्मेदारी बढ़ रही है तो कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो क्या मानते हैं? देखिए साहब, 30 साल से हम सेवा करते आ रहे हैं, हमारी सेवा जारी रहेगी। जहाँ भी मेरे लोगों को जहाँ भी तकलीफ होगी, जहाँ मेरी जरूरत लगेगी, वहाँ इनके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँ। सब लोगों से जुड़े हुए हैं, सभी से अच्छे प्रेम मित्रता और सभी से पारिवारिक संबंध है। राजनीतिक माध्यम के तौर से ये जीत के सब लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे हमेशा, ऐसा मानना है। नवीन जी, जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बन जाता है तो जिम्मेदारी 4 गुनी बढ़ जाती है, किस प्रकार से आप मानते हैं कि ये जो 4 गुनी जिम्मेदारी है उसको बेहतर उठाएंगे, बेहतर सुनवाई होगी, क्या मानते हैं? ये बिना किसी पद के भी 4 गुना जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अगर ये चुन के प्रतिनिधि बने तो ये बिल्कुल लोगों के लिए तत्पर रहेंगे, सबकी मदद करेंगे और विकास में अपना विशेष योगदान देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।